नेशन टीवी पे अभी एक महिला प्रत्याशी जो कि सभापति की रेस में है हमारे साथ जुड़ गई है। सुनीता देवी सभापति पद की उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानेंगे कि हाजीपुर में विकास का मुद्दा क्या कुछ है, क्योंकि सब लोग अलग अलग विकास का मुद्दा का दावा कर रहे हैं, लेकिन सुनीता देवी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव क्यों लड़ रही हैं और चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है, शहर में समस्याएं क्या है, और बाई दे चुनाव अगर जीत जाती हैं तो शहर के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नेशन टीवी बिहार पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता देवी है मेरा नाम, 45 नंबर वार्ड से है, पूरे हाजीपुर क्षेत्र के लिए हैं, और यदि हमको मिल जाता है सीट तो हम पहले बहन बेटियों के सुरक्षा करेंगे, उसके बाद नाले फील्ड में जो गए हैं घूमने के लिए, गली गली में नाले को देखे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है, वही देख कर के सोच रहे हैं कि यदि मेरा सीट मिल जाए तो हम बहुत अच्छा नाला ये सब है, जल नाल ये सब है, सबको साफ़ सफाई अच्छा से कराएंगे, यही सब बात है। सवाल है, अचानक जो है सभापति के उम्मीदवार क्यों बन गई, बाडो वाला चुनाव लड़ सकती हैं, हाँ जी आपके पास आएंगे, और उप सभापति वाला भी लड़ सकती थी, तो मतलब सभापति वाला चुनाव का चयन क्यों किए आप? किए इसलिए कि हमारे 6-7 वार्ड ऐसा है कि इसमें से कोई नहीं खड़ी हुई थी, इसीलिए समाज सपोर्ट किए, इसीलिए हम खड़ा हो गए। महिला को पहले सुरक्षित करेंगे। क्या अभी हाजीपुर में महिलाएं असुरक्षित हैं? हाँ, बहुत सारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि असुरक्षित है, पहले उनको सुरक्षित करेंगे, बेटी बहनों के सबको, उसके बाद यही नल जल है, सड़क उड़क है, बहुत टूटा हुआ है, बहुत स्थिति खराब है, जाने आने में भी बहुत दिक्कत होता है, गली में भी गए हैं, मीनापुर जो गाँव है मीनापुर नाम का, उस सब गली में स्थिति बहुत खराब देखे हैं, चलने का साधन नहीं है, गुदरी में भी देख रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें भी साधन अच्छा नहीं है, राजिंदर मोड़ी सब पर एकदम साफ सफाई एकदम साफ नहीं है, एकदम नाला एनी टाइम जाम रहता है, चौहट्टा के बाद पूरे हाजीपुर में वो सब एकदम पूरे है एकदम सब। अभी कितना वार्ड है यहाँ? यहाँ 45 है, इसके 10 नंबर था, ग्राम पंचायत था, कनपुरा पंचायत है, ग्राम पंचायत है, मतलब पूरे 4500 वार्ड में विजिट कर गई हैं कि कोई वार्ड बचा हुआ भी है? कुछ बचा हुआ है, इतना समय में थोड़ी हो जाएगा, कुछ बचा हुआ। खास चौधरी से भी जुड़ते हैं आप, इनके कौन लगते हैं? पुत्र। अच्छा, चुनाव जो है जिस तरीके से आपकी माँ जो है लड़ रही हैं, तो मतलब सारा जो है जो हैंडल करना है चुनाव का आप ही कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। चुनाव मतलब क्यों मैदान में उतरवा दिए अपनी माँ को, जिस तरीके से हाजीपुर का हमेशा से राजनीति खासकर नगर परिषद का अलग तरीके से रहा है, तो लड़ाने का मिशन क्या है आपका? लड़ाने का मिशन है कि हाजीपुर कोन्हारा में जाने के बाद पैर रखने का जगह नहीं है, हाँ कोन्हारा में लाश जलाने की जगह नहीं है, उस पर पूरा काचर कचर है, उसको सफाई नहीं हो रहा है। हम परसों किए थे अपना ग्राम कनपुरा ग्राम के नगर परिषद का, 3 आदमी डेट किए थे, जरुआ के एक थे, एक कनपुरा के थे, उसमें हम गए लाश जलाने के लिए, मंजिल गए, पैर रखने के लिए जगह नहीं था, पूरा कचरा भरा हुआ था, उसको साफ सफाई के लिए जरूरी है। विजिट कर लिया है 45 वार्ड हाजीपुर नगर परिषद में, सभी वार्ड का विजिट किए हैं? हाँ, सभी पंचायत में घूमे हैं, वार्ड में घूमे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है सभी। हम लोग तो जाते हैं तो कैंडिडेट सभी मिल जाते हैं, लोगों के बीच में ही मिल जाते हैं, तो लोगों का कहना है कि हम इस कैंडिडेट को जानबे नहीं करते हैं, तो आप तो चूंकि पहले से कभी राजनीतिक में शहर के नहीं रहे हैं, पहले से जिला परिषद मुखिया में मेरे पिताजी लड़े हुए हैं। अच्छा, शहर वाला निकाय चुनाव में आपका भागीदारी कभी नहीं रहा? नहीं नहीं रहा। अच्छा, इस बार जा रहे हैं नगर परिषद में, हम लोग चुनाव के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि नगर में चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का दावा है कि पटना के जो बगल में हाजीपुर नगर परिषद है इसको भी मॉडल सिटी बनाना है, क्योंकि हाजीपुर में अभी कमोबेश किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है, आप शहर में घूम नहीं सकते हैं, आप शहर में टहल नहीं सकते हैं, कोई अच्छा सा पार्क शहर में नहीं है, हालांकि कुछ लोग अपना जुगाड़ वाला मुद्दा लेके पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में आ जाते हैं, लेकिन सुनीता देवी और इनके पुत्र हैं सुभाष जी का ये दावा है कि जनता का जो है पूरा शहर से हमको सपोर्ट मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प है कि हाजीपुर की जनता सभापति में किसको चुनती है। नेशन टीवी के लिए हाजीपुर नगर परिषद से मैं।